हाँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 का देखिए, नीट 2015 का क्वेश्चन है। ब्लॉक ए ऑफ मास एम1 रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड इट पासिंग ओवर द पुली एट द एज ऑफ द टेबल फ्रॉम द अदर एंड। ब्लॉक बी मास एम2 इज सस्पेंडेड, मतलब ऐसा इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, आया क्या? ऐसे ऐसे और ऐसे, समझे कि नहीं समझे बोलो। ये टेबल के ऊपर है, अब ये M1 का है और ये है M2। बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू के व्हेन ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग वर टेंशन किती असेल। चला फ्री बॉडी डायग्राम, ओके विधि फ्री बॉडी डायग्राम सांग मला, बीची बीची फ्री बॉडी डायग्राम नीचे सांग विधि, M2, M2 जी खाली एम टू जी वर टी आणि याचा एक्सेलरेशन कुठं असेल, खाली असेल, करेक्ट? खाली। येस, सो याची इक्वेशन बनवूयात आपण, याची इक्वेशन काय असेल सांगा। ठीक आहे, असं पण करू शकतो, असं चालेल, ठीक आहे, बरोबर आहे का? बरोबर आहे तृप्ती पल्लवी, बरोबर आहे का? आता फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, चला सांगा, खाली एम जी M1 जी वर काय असेल, नॉर्मल रिएक्शन टेंशन आणि इकडे फ्रिक्शन, शाबाश। चला एन इक्वल्स टू M1 जी असेल का, नॉर्मल रिएक्शन M1 जी च्या बरोबर असेल का? येस। आणि हॉरिझॉन्टल ला काय करायचं सांगा, विधी सांग। T minus F is equals to M1 A. करेक्ट, व्हेरी सिंपल। एफ ला काय लिहिणार आपण, म्यू एन, आणि एन म्हणजेच M1। आता आपल्याला काय करायचंय, टेन्शन शोधायचंय, तर ए हटवायचं आहे, ए एक्सलरेशन आपल्याला ओमिट काय करायचंय ते बघा, काय शोधायचंय, टेन्शन, तर मग याच्यामध्ये एक्स्ट्रा कोण आहे आपला ए, जो आपण एज्युम केलेला आहे ए, त्याला ओमिट करून टाकू, समजलं का? त्याला ओमिट करण्यासाठी काय करायचं, ए ची व्हॅल्यू इथून घ्यायची, ए इक्वल्स टू, हा M1 इकडे खाली जाईल, तर टी मायनस म्यू M1 G अपॉन M1 याची व्हॅल्यू पुट करायची या वरच्या इक्वेशन मध्ये। चलो करून पटापट सांगा काय ते। तर या क्वेश्चन मध्ये अवघड असं काही नव्हतं, फक्त एवढंच आहे की व्हॅल्यूज नाही दिल्या, फक्त एक्सप्रेशन शोधायचं आहे, दे हॅवंट गिवन यू व्हॅल्यूज। व्हॅल्यूज जीवनामध्ये खूप महत्त्वाच्या असतात, जीवन जगत असताना आपण बघतो, असं शाळेमधले टीचर असतात ना, ते असं म्हणतात, जीवन जगत असताना आणि मराठी व्याकरणाचे आणि ते मराठी कविता, हिंदी कविता, वो लोग थोड़ा काव्यात्मक स्वरूप से उसको कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। टी माइनस M2 जी इक्वल्स टू माइनस M2 ए,
और ए का मतलब है टी माइनस म्यू एम वन जी अपॉन एम वन। हमें टी चाहिए तो टी वाला टर्म साथ में ले लेते हैं। टी माइनस एम टू जी इक्वल्स टू माइनस एम टू टी अपॉन एम वन प्लस एम टू एम वन कैंसल म्यू जी। टी वाला टर्म इधर भेजो तो टी प्लस एम टू टी अपॉन एम वन इक्वल्स टू एम टू म्यू जी प्लस एम टू जी, ये बन जाएगा एम वन टी प्लस एम टू टी। तो टी कॉमन लेके एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन इज इक्वल्स टू एम टू जी म्यू प्लस वन। तो टी इक्वल्स टू एम वन एम टू जी म्यू प्लस वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो मेरा ऐसा आ रहा है एम वन एम टू जी म्यू प्लस वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ऑप्शन बी सेकंड बी ऑप्शन। ठीक है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है द अपर हाफ ऑफ एन ए कर्ण का विधि। क्वेश्चन नंबर थ्री तृप्ति चाले तिनी। अच्छा तृप्ति ओके 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 तुझे नहीं है बुक। द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। तृप्ति है आला ना आंसर कळ का आले सर। अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूद। हाँ आता स्मूद हा शब्द जिता आला। स्मूद ये वर्ड जहां पर आता है समझ जाना कि क्या है फ्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल सही स्मूद ये वर्ड जहां पर आता है समझ जाना कि फ्रिक्शन नहीं है। और रफ ये वर्ड जहां पर आता है समझ जाना क्या है फ्रिक्शन है। तो चलो हाफ अपर हाफ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन मतलब इंक्लाइंड प्लेन के ही दो पार्ट्स कर दिए तो यहां से अपर हाफ स्मूद है एंड लोअर हाफ इज रफ। लोअर हाफ रफ है। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप कम्स बैक टू रेस्ट एट द बॉटम इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द लोअर हाफ इज गिवन बाय। तो इसका इंक्लिनेशन हमें थीटा दिया है और बोला है कि यहां से बॉडी ने शुरुआत की अपनी जर्नी का। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जीरो से और ये डिस्टेंस एक्स ये भी डिस्टेंस एक्स आधा आधा डिस्टेंस है और फाइनली यहां पर बॉटम पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती जीरो। करेक्ट कम्स टू रेस्ट एट द बॉटम तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द लोअर हाफ कितना होगा ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया क्या। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। इस बॉडी को यहां से हमने रिलीज कर दिया तो अपर हाफ स्मूद है लोअर हाफ रफ है तो यहां से स्पीड बढ़ते जाएगी यहां तक और यहां से स्पीड घटते जाएगी यहां तक। ये बात समझे क्या सब लोग। स्मूद पे क्या फ्रिक्शन रहेगा नहीं। स्मूद पे फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो स्पीड बढ़ते जाएगी यहां तक।
यहां पर फ्रिक्शन ऐसा है कि बॉडी यहां से रिटार्डेशन करते 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 यहां तक आई और यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। बात समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले हम लोअर अपर हाफ की बात करते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है पॉइंट पी पर आने पर। इस पॉइंट को क्या नाम दिया मैंने? पी, जहां पर स्मूथ का रफ में कन्वर्जन हो रहा है। चलो, तो शुरुआत से पी तक वेलोसिटी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बढ़ जाएगी। तो नीचे क्या लगेगा बोलो, बोलो ना, एम जी साइन थीटा। और यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, तो नीचे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स कितना लग रहा है? एम जी साइन थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या फोर्स अपॉन मास होता है दोस्तों? तो क्या जी साइन थीटा इसका एक्सेलरेशन है? बोलो, समझा? जी साइन थीटा इसका एक्सेलरेशन है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यू इक्वल्स टू जीरो, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। तो वी कितना ये हमसे पूछा है फॉर डिस्टेंस एक्स, डिस्टेंस कितना एक्स। तो दोस्तों वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2x। चलो, v square minus u square equals to 2ax। तो v square ढूंढना है, u 0 है, 2 g sin theta x, equation number 1। बाजू में रख दू, चलेगा? बोलो, क्लियर यहां तक? अब लोअर हाफ की चर्चा करें। लोअर हाफ की चर्चा करते समय लोअर हाफ में अगर इसी को यहां पर ड्रॉ करें तो नीचे कौन सा फोर्स? बोलो, एम जी साइन थीटा, यस और नो? और कौन से फोर्सेस से? बोलो, नॉर्मल रिएक्शन इधर, एम जी कॉस थीटा। क्या ये दोनों ऊपर नहीं लग रहे थे क्या? लग रहे थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। यहां पर जरूरत पड़ेगी फ्रिक्शन ढूंढने के लिए नॉर्मल की, और पीछे कौन लगेगा? फ्रिक्शन। तो इसमें बताइए कि नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है? एम जी साइन थीटा है ना, इसको पॉजिटिव मानते, ऊपर को नेगेटिव। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो, है ना? तो क्या यहां पर एक्सेलरेशन बदल जाएगा? ऊपर के जैसा ही रहेगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा। एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एन को सीधा सीधा म्यू एम जी कॉस थीटा लिखा तो क्या आपको दिक्कत है कोई? मैंने एफ को क्या लिखा? म्यू एम जी कॉस थीटा। कैसे? म्यू एन, और एन क्या है? एम जी कॉस थीटा। ऐसे इक्वल्स टू क्या लिखा? एम 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 कैंसिल। क्या एक्सेलरेशन मिल गया? हाँ, क्या है एक्सेलरेशन? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इज द एक्सेलरेशन। इसको यूज करके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करते हैं फिर से एक बार। अब लोअर हाफ के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा विधि? लोअर हाफ के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा विधि? पी पॉइंट पर जब वो आया तो उसका वेलोसिटी एट पॉइंट पी, ये ऊपर वाले हाफ का फाइनल वेलोसिटी था, वो लोअर हाफ के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं विधि? हाँ सर। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी u की जगह क्या लिखू मैं? v, ये वाला v जो है अंडर रूट 2g sin theta x। तो जो है अंडर रूट 2g sin theta x, ऐसा लिखा तो चलेगा? ओके, फाइनल वेलोसिटी कौन बताएगा पल्लवी? शाबाश। एक्सेलरेशन कितना है मयूरी? जी साइन थीटा
माइनस म्यू जी कॉस थीटा, क्या करना है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। बेटा ये जीरो माइनस यू स्क्वायर बनेगा ये टू जी साइन थीटा एक्स इक्वल्स टू टू, और एक्सेलरेशन आया ये, लेकिन ये एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव में चाहिए, ये भी ध्यान रखना। हाँ तो माइनस ऑफ जी साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा म्यू जी कॉस थीटा, माइनस में लिया मैंने, या फिर ऐसा करते हैं इसको अंदर माइनस ही रहने दो, ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखते चलेगा, ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए, ये टू मल्टीप्लाई में है ध्यान रखना। तो टू ए इंटू एस मतलब कौन है, एक्स, एग्रीड, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, समझे? तो अब इधर क्या बचा बोलो, टू जी साइन थीटा एक्स इक्वल्स टू टू और ये एक्स और ब्रैकेट में, क्या जी कॉमन ले लूं मैं, चलेगा? जी कॉमन लिया तो अंदर बचता है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, क्या दोनों साइड में एक्स और जी कैंसिल बोलो, तो क्या यहां से म्यू मिलने वाला है? जी हाँ, हाँ तो माइनस वाला म्यू है, इधर लाके प्लस बना देते हैं, टू म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा, और ये उधर जाके माइनस बनेगा टू साइन थीटा। अरे टू टू भी तो कैंसिल होता था, है ना, ये कैंसिल, ठीक है जी। तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा जीरो आ रहा है, इसका मतलब म्यू कॉस थीटा इज जीरो, इसका मतलब म्यू इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, ऐसा है? कहीं तो गड़बड़ हो गया अपना, किधर था वो? नीट का थर्ड था ना, एक मिनट, कुछ तो छूट गया अपने से। एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये म्यू जी कॉस थीटा, थोड़ा कहीं तो गड़बड़ है, जरा देख लो कहाँ है। सर एक्सेलरेशन नेगेटिव असनर करें कि वेलोसिटी जीरो, हाँ तो एक्सेलरेशन को मैंने नेगेटिव लिया ना यहाँ पर, एक्सेलरेशन को मैंने नेगेटिव ही लिया, इसीलिए तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। सर तो फिर वो साइन अगर यहाँ पर क्या साइन नहीं, इसका अगर हम उल्टा करके देखें एक मिनट, हाँ थोड़ा करेक्शन करते हैं यहां से, ये अगर हमने ऐसे ही रखा माइनस टू जी साइन थीटा एक्स इक्वल्स टू टू टाइम्स ये जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो टू कैंसिल कर देते हैं,
ये माइनस को वैसे ही रखो, जी साइन थीटा एक्स इज जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो म्यू जी कॉस थीटा इक्वल्स टू जी साइन थीटा, ये एक्स भी कैंसिल हो गया था ओके दोनों साइड में, तो जी साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा, तो जी जी कैंसिल, तो म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा, तो इसलिए म्यू इक्वल्स टू टू साइन बाय कॉस बनेगा टू टेन थीटा। ठीक है, तो ये 2013 का क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटे ये सबको समझ में आया रे? क्लियर है सबको? वेरी गुड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकंड्स द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी रिस्पेक्टिवली। देखिए सबसे पहले इसको एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। एंगल ऑफ रिपोज क्या है इसको समझाता हूं मैं आपको, एक को है देना पैड है का पैड। देखिए कोई भी चीज दुनिया में इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है, करेक्ट? देख रहे हो मेरे पास एक ब्लॉक है ना, और वो ऐसे रखा हुआ है। अगर मैं एक साइड से इसको धीरे 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 ऐसे टेढ़ा करते जाऊं, देखो 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 देखो, क्या नीचे फिसल रहा है? नहीं। क्या नीचे फिसला? नहीं। और बढ़ा दो और बढ़ा दो और बढ़ा दो और बढ़ा दो, ये देखो जादू। अब इस एंगल पर, जिस एंगल पर वो नीचे फिसला, उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहते हैं? शाबाश, चलो सिंपल है लॉजिक। चलो तो वही किया है हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कि प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड, उसका दूसरा साइड हमने क्या कर दिया, ऊपर उठाया। हाँ, एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इंक्लिनेशन को 30 डिग्री रखा तब वो नीचे फिसलने लगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया, कोई बताएगा? पहले वो क्यों फिसल नहीं रहा था और एंगल बढ़ाने पर वो क्यों फिसलने लगा? बोलो, कौन बोलेगा? तृप्ति बोलो। सर जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर जी साइन थीटा होता है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो नीचे जाए। हाँ, आपका क्या कहना है? ऐसा सोचो ना कि उसको नीचे खींचने वाला कौन है, एम जी साइन थीटा। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, पहले फ्रिक्शन जो है वो उसके मैक्सिमम लेवल पे नहीं था, है ना, तो इसलिए नीचे फिसल नहीं रहा था।
एक ऐसा एंगल आएगा कि जहां पर वो जब फिसलने लगे तो नीचे एम जी साइन थीटा जो एक्ट कर रहा है वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर। ये बात समझे क्या? कौन सा एफ? लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ओके, तो यहां पर नॉर्मल ऊपर और नीचे कौन, एम जी कॉस थीटा। क्या एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शन के बराबर होगा? बोलो। हाँ, फ्रिक्शन का फॉर्मूला बोलो म्यू एम, क्या वो म्यू एम जी कॉस थीटा होगा? बोलो, क्या एम जी दोनों साइड में कैंसल, तो क्या म्यू इक्वल्स टू साइन बाय कॉस? यस, साइन बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल थीटा, इनके बीच में रिश्ता आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी। अब इसमें दो चीजें हैं, अब इसको बहुत अच्छे से समझना होगा हमें। तो सबसे पहला चीज कि ये बॉक्स जब फिसलने लगा, ठीक है, ये बॉक्स जब नीचे फिसलने लगा तब स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट के बराबर ये हो गया, करेक्ट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है तो वो इक्वल्स टू टेन थीटा है, टेन हमें एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा टेन 30 होता है 1/√3। 1/√3 को अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करते हैं, ये 1.73 होता है, करेक्ट। इसको अगर आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलता है जरा देखो, 0.5 मिल रहा है। या 0.6 है, लेकिन 5 के आगे क्या है सर? 0.577। हाँ, 0.57 आएगा, मतलब वो ज्यादा हो रहा है ना, 0.5 से ज्यादा। ओके, 0.57 के आसपास आ रहा है, तो ये बाजू में रख देते हैं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए है। ये समझे यहां तक? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू हमारे पास आ गया। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि इट स्लाइड्स डाउन 4 मीटर इन 4 सेकेंड्स, ठीक है, तो वो स्लाइड करता है 4 मीटर 4 सेकेंड में, इसका मतलब वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन हमें ढूंढना है। तो अब उसके बारे में देखते हैं क्या है 4 मीटर इन 4 सेकेंड। ध्यान से सुनिए, अब जब ये नीचे फिसलने लगे तो अब नीचे लगेगा एम जी साइन थीटा और ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, ध्यान से सुनो, और फिर से ये नॉर्मल रिएक्शन, ये एम जी कॉस थीटा, और अब ये जब नीचे फिसल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ढूंढना जरूरी है, करेक्ट। तो अब लिखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, समझा? माइनस माइनस एम ए नहीं लेंगे क्योंकि वो नीचे आ रहा है ना,
समझा। तो इस साइड को हमने क्या माना है, पॉजिटिव। तो ये बनेगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए एम 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 कैंसल, जी साइन 30, 30 है ना एंगल, माइनस म्यू जी कॉस 30 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यूज बाद में पुटअप किया तो भी चलता है। अब करना क्या है हमें, अब बोला है कि कितना डिस्टेंस वो चला, तो वो है 4 मीटर। कितने टाइम में, 4 सेकेंड्स। तो क्या S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है दोस्त। U इसका 0 ले लो, तो ये बनेगा 4 इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह ये पुटअप कर दो, जी साइन 30 माइनस म्यू जी कॉस 30, और आंसर ढूंढ के बताओ। म्यू का वैल्यू ये आएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को अलग अलग देखा है, करेक्ट। सर अराउंड 0.5। अराउंड 0.5। बोल। फाइव फाइव वन ओके। तो एक आ रहा है 0.57 जो पहला है स्टैटिक वाला, और काइनेटिक वाला आ रहा है 0.51। तो उसको 1 डेसिमल में अगर राउंड ऑफ करना है तो 57 का 6 बन जाता है, करेक्ट, और 51 का 5 बन जाता है। ये बात समझे कि नहीं समझे। इस तरीके से ऐसा है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, कौन सा डाउट है बोलो।
किती केले तो सगळे झाले. हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन जनरली काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा रहता है या इक्वल रह सकता है, कम नहीं होता कभी. स्टैटिक फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा रहता है, काइनेटिक कम रहता है. जैसे इस केस में देखो ना, स्टैटिक आया 0.6 और काइनेटिक आया 0.5. बारिश तो जरूर पड़ रही है यार. क्योंकि अभी सितंबर खत्म होएगा. तो बता नहीं सकते अभी क्या होगा, क्योंकि अगर अभी बारिश नहीं आई तो यार साल भर में क्या पानी पियेंगे अपन, कैसे पानी आएगा, बारिश ही नहीं. होम बेस चा कुठला म्हणलीस तू? होम बेस्ड का काइनेटिक फ्रिक्शन का थर्ड इन द फिगर शोन बिलो. सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू कैन हैव इफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन 40 न्यूटन ब्लॉक कैन नॉट एक्सीड 12 न्यूटन. तो 12 न्यूटन का फ्रिक्शन है उसके ऊपर, तीन हो गए, 3 साढ़े 3 बजे सोया मैं. आया क्या क्वेश्चन आया? ये 40 न्यूटन है. 40 न्यूटन मतलब उसको केजी में कन्वर्ट करना है, समझा ना? यहां पर है डब्ल्यू और इसको यहां पर रखा है. अब बेटा इसमें टेंशन रहेगा तो इसका मतलब इधर फ्रिक्शन का फोर्स 12 न्यूटन लगेगा, ऐसा बोला है. समझा कि नहीं समझे? इसका मतलब इनडायरेक्टली बोला है कि उसमें टेंशन मैक्सिमम कितना रह सकता है, 12. समझा? और ये W का वैल्यू कितना हो जाए, ठीक है? तो W नीचे इधर होगा T-, ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, तो क्या ये भी 30 डिग्री होगा? तो इधर होगा T-, cos 30, इधर कौन होगा बोलो, T-, sin 30. तो इधर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, T=T-cos 30. फ्रिक्शन फोर्स है 12, तो टी भी 12, T-cos 30 कितना, √3/2. तो ये बनेगा 24/√3 इज T-, T-, आ गया. तो T-sin 30 इज W, T-sin 30 इज W,
24 बाय रूट 3 इंटू हाफ बना 12 बाय रूट 3। रैशनलाइज करेंगे तो 12 बाय 3 रूट 3 मतलब 4 रूट 3। कैलकुलेट करके दिया है क्या? कैलकुलेट करना है इसको तो रूट 3 का वैल्यू 4 इंटू 1.73 पुट अप करके कितना आता है? 6.89 के आसपास आता है। ओके इस तरीके से इसको हमें करना है। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? विधि समझाए तृप्ति? यस सर। और कुछ? एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन आस्क मी? ठीक है जी। तो करिए इसके क्वेश्चंस और सॉल्व करिए, और भी इसके डाउट्स करेंगे अपन, जितने भी डाउट्स आ रहे सारे डाउट्स सॉल्व करेंगे। ठीक है तृप्ति? तृप्ति तुझा पाठवून ठेव ना कोणते कोणते तुला डाउट्स आहेत। हाँ सर।